तो भाई फाइनली ऐसा समय आ गया है कि अभी बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा इसराइल से पैलेस्टाइन। भाई सच कहूँ तो यार यहाँ पे लोग घिरे हैं यार। एक लेडी जो थी उनको एक्चुअली यहाँ तक आना भी नहीं था, बट हमारे स्पेशल इधर आई और हमें लिफ्ट दी। बोल रहे थे कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, हम नहीं देंगे, तुम दोनों का अलग अलग घर लेना पड़ेगा। ये बच्चा भाई यहाँ पे काम कर रहा है, भाई पैसे लेने से मना कर दिया इसने। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल भाई आज मैं जा रहा हूँ पैलेस्टाइन की तरफ और आज वेदर भी काफ़ी शानदार है एकदम। तो मैं बैग तैयार कर रखा हूँ पैलेस्टाइन की तरफ जाने के लिए। और भाई ये मैं हॉस्टल में रह रहा था जेरूसलम के अंदर। ये भाई एक हॉस्टल एक्स है, 1000 रुपये के आसपास या 800 रुपये के आसपास का ये पड़ रहा था, जो कि भाई इसराइल का सबसे सस्ता हॉस्टल मुझे मिला है। इसराइल जनरली बहुत महंगा है, लेकिन अब जा रहा हूँ आज पैलेस्टाइन और देखता हूँ कि पैलेस्टाइन के अंदर कैसा है ट्रैवल का माहौल। हालांकि बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर जब मिला मैं यहाँ से, उन्होंने कहा कि थोड़ा वहाँ पे माहौल टेंस्ड है तो थोड़ा बच के रहना। तो मैं जा रहा हूँ, जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे मेरे एक्सपीरियंस रहते हैं अगले शायद 5-6 दिन मैं पैलेस्टाइन के अंदर बिताऊँ। ये कुछ यहाँ पे ऐसा नज़ारा दिख रहा है, मौसम काफ़ी शानदार है भाई। बड़ी बड़ी एकदम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आसपास, जिस तरह देख पा रहे हो आप, हर जगह बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। एंड यहाँ पे भाई हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। यहाँ पे भाई मेरा एकदम पसंदीदा खाना एक्चुअली इसराइल का मिल चुका है, वो है भाई सूप। और भाई सूप के अंदर क्या मैं खाता हूँ, लेंटल्स और चावल। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दाल भात खा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा कनेक्टेड है। और साथ ही साथ भाई यहाँ पे मुझे अच्छी बात और लगती है कि सस्ता है ये, मतलब कंपेयर टू अदर फूड ये बहुत सस्ता है और बहुत मात्रा में मिल जाता है कि मैं 2 बार में खा लेता हूँ उस खाने को। व्हाट आर यू ईटिंग टुडे? I might get the beet again, but I have to ask what's hamusa and harira because always down to try something new. Right. ये भाई 25 का है, ये 20 का और चावल भाई 10 का है। 10 मतलब अराउंड 250 रुपये का चावल है और 500 रुपये के आसपास का सूप। 700 रुपये के आसपास या 800 रुपये के आसपास मुझे भरपेट खाना मिल जाता है भाई। तो भाई जेरूसलम को बाय बाय करने का समय आ चुका है और एक नई जगह जाने का समय आ गया है। बहुत सारे लोग पैलेस्टाइन को देश मानते हैं, बहुत सारे लोग देश नहीं मानते हैं, बट भाई मैं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आया तो पैलेस्टाइन नहीं जाऊँगा, तो ये भी सही नहीं है। तो मैं दोनों जगह जा रहा हूँ और जाके देख रहा हूँ वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। कुछ ऐसी स्ट्रीट दिखती है भाई जेरूसलम की, काफ़ी ही टूरिस्टी स्ट्रीट है और वेदर आज अच्छा हो रखा है तो टूरिस्ट भी अच्छे खासे हो रखे हैं। जितना देख पा रहे हो आप बिल्डिंग्स वगैरह कितनी शानदार दिख रही है यहाँ पे। ये भाई काइंड ऑफ सेंटर है भाई। और अगर रही बात पुलिस की भाई, तो आपको पुलिस ऑलमोस्ट भाई हर जगह दिख जाएगी, जैसे कि मेरे सामने भी भाई 4-5 महिला पुलिस है जितना देख पा रहे हो आप। और यहाँ पे ये भी एकदम भाई टूरिस्ट प्लेस है, तो चला जाए। तो भाई फिलहाल मैं आ रखा हूँ ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे भाई आएगी ट्रेन। यहाँ पे भाई कुछ टिकट कलेक्टर भी है और इधर से आ रही है भाई, सिटी के सेंटर भाई उन्होंने ट्रेन बना रखा है, एकदम काफ़ी शानदार लगता है भाई। और यहाँ पे भाई कार वगैरह बसें वगैरह भी चलती है, कार भी देखा मैंने जाते हुए, बट मोस्टली पुलिस कार जा रही थी यहाँ पे। और ये पूरा भाई सिटी सेंटर है और बोल सकते हो आप टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ पे इतने टूरिस्ट है भाई क्या ही बताऊँ। बस भाई एक ही ट्रेन आती है, एक नंबर ट्रेन, और यहाँ पे हमें वो ट्रेन लेना है। भाई बंदूक यहाँ पर इतनी कॉमन बात है ना भाई, क्या ही बताऊँ भाई। इतनी बंदूक मैंने दुनिया के भाई किसी पार्ट में अभी तक नहीं देखी है भाई। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि लाइक 10 में से एक बंदे के पास मैंने बंदूक देखी है। मेरे पीछे एक बंदा है भाई, उसने बड़ी सी बंदूक टांग रखी है। मेरे आगे 2 लड़कियाँ हैं, उसने भाई बंदूक टांग रखी है। तो भाई बंदूक तो मतलब यहाँ पे ऐसा है भाई कि पता नहीं क्या है यार, सब आधे लोगों के पास मुझे देखने को मिला ये बंदूकें। भाई यहाँ के नाम में देखो और कितना डिफिकल्ट है, जैसे कि सीमोन हातादिस्क गीफात हाता मोहिसत, भाई बहुत ही डिफिकल्ट है मैं भाई यहाँ पर दस कौन। तो भाई जहाँ पर आना था हम आ चुके हैं, तो भाई यहाँ से वॉक करनी है हमें 5 मिनट्स के लिए और हम लोग पहुंच जाएंगे, हमें इसी डायरेक्शन वॉक करनी है। वेदर भाई शानदार है आज, अगर वेदर की बात करें तो काफ़ी शानदार है। जरा भाई आसपास का दिखाता हूँ नज़ारा। ये भाई ट्रेन है और भाई ट्रेन में एक्चुअली ये 2 टिकट कंडक्टर है जो कि भाई ट्रेन टिकट चेक करती है। और भाई अगर आप पकड़े गए तो भाई 80 यूरो का फाइन है, जो कि मेरे हिसाब से भाई अच्छे खासा है यार। 80 यूरो मतलब तकरीबन आप मान के चलो 7000 रुपये के आसपास का फाइन है भाई। जनरली भाई कोई टिकट चेक नहीं करता, लेकिन आज टिकट बहुत चेक हो रही थी, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे आओ रिस्क मत लेना। लाइक या 90 seconds or 90 euros? I think she was telling in the euros, something like that. Yeah, because she was from Europe. So
सो हाँ भाई वही 90 यूरोपियन करेंसी, मतलब 90 यूरोस। जनरली भाई मैंने आज तक कभी चेक होते देखा नहीं है, पहली बार मैंने देखा कि कोई चेक कर रहा है, बट फिर भी भाई क्यूरियस लो, आप अगर पकड़ा गए अच्छा खासा फाइन है। तो भाई बस नंबर 218 के हम लोग फिलहाल वेट कर रहे हैं, बस नंबर भाई 218 यहीं पर आएगी और जो भाई हमें डायरेक्टली रमाला लेके जाएगी। ये भाई आसपास कैसा नज़ारा है अगर आप देख पा रहे हो तो, ये बस टर्मिनल है भाई, और जो भाई रमाला है वो एक्चुअली पैलेस्टाइन की कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल है भाई पैलेस्टाइन की। तो चलो भाई चलते हैं रमाला की तरफ। तो भाई हमारी बस तो आई लेकिन पूरी तरह से फुली पैक था, तो उन्होंने इसने रोका भी नहीं भाई, गजब है यार। तो भाई दूसरी बस आई, हम लोग भाई उस बस में बैठ चुके हैं भाई, पहली बस तो पूरी तरह से फुल थी, ये बस भाई जब हम लोग आए तो पूरी तरह से फुल थी। अभी भाई 4 स्टेशन हो रखा है और थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा है भाई। एक बात भाई मैंने इस बस पे ऑन नोटिस की भाई कि इस बस पे यार बेसिकली सारे लोग पैलेस्टाइन के ही हैं भाई, सब लोगों ने हिजाब लगा रखी है। तो मैं आया तो थोड़ा मैं शौक हो गया क्योंकि मतलब इसराइल के अंदर आपको ये उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन भाई आज पैलेस्टाइन जा रहे हैं, ऑलरेडी भाई बॉर्डर क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। बॉर्डर क्रॉसिंग भाई काफ़ी मतलब कोई क्रॉसिंग है ही नहीं, सच कहूँ तो वॉल था, वॉल की वजह से हम लोग निकले। तो ऐसा कोई टेक्निकली आप ऐसा नहीं लगोगे कि आप रियल बॉर्डर क्रॉस करते हो, ऐसा कुछ आपको फीलिंग नहीं आएगी। हम लोग बस भाई आधे घंटे में पहुंच जाएंगे कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, वो है भाई रमाला। और ये भाई आसपास का ऐसा कुछ नज़ारा है, यहाँ पे बसें वगैरह खड़ी हुई है और भाई आपको यहाँ पे मोस्टली इसराइल की गाड़ी दिखेगी। मैंने बहुत ही कम पैलेस्टाइन का झंडा और पैलेस्टाइन का गाड़ी देखा है अभी तक, तो दिखाई नहीं मुझे, इनफैक्ट मैंने अभी तक भाई कोई झंडा प्रश्न का देखा ही नहीं है। तो छोड़ा, आई थिंक कैपिटल के अंदर जा देखने को मिलेगा, वो जाके देखते हैं भाई कैसा हिसाब किताब है। भाई मुझे लगा था कि चेक पॉइंट वगैरह कुछ आएगा नहीं, डायरेक्टली हम इंटर कर जाएंगे पैलेस्टाइन के अंदर, बट भाई थोड़ा वो मैं गलत था। बेसिकली भाई हम लोग अभी पैलेस्टाइन में ही हैं, अगर आप मैप में आप देखोगे तो आपको भाई मैं मैप में दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं भाई। भाई कि यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप भी है, अगर आप मैप में देखोगे तो भाई मैं यहाँ पर हूँ भाई, रमाला एकदम पास में, और देखिए भाई बॉर्डर दिखा रहा है मुझे। बट आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, और चेक पॉइंट होने के बाद, चेक पॉइंट क्लियर करने के बाद ही हम लोग जा सकते हैं अलग देश में, और आई थिंक यहीं पर भाई चेक पॉइंट है मेरे सामने। चला भाई चला जाए पैलेस्टाइन के अंदर। तो भाई फाइनली ऐसा समय आ गया है कि अभी बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा इसराइल से पैलेस्टाइन। अगर भाई आप देख सकते हो एकदम भाई, उन्होंने बड़ी बड़ी वॉल बना रखी है भाई, ये तो भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से बड़ी वॉल है। भाई हमें यहाँ पे छोड़ा गया एक बस टर्मिनल पे, और भाई यहाँ से हमें क्रॉस करना पड़ेगा पैदल। भाई पैदल क्रॉस करने के बाद हम लोग जाएंगे रमाला की तरफ। इधर से कुछ रास्ता है भाई, ये सीढ़ी है भाई और ये नॉर्मल चढ़ने का रास्ता। लेकिन आप देखो भाई उधर भी इतने बड़े बड़े एकदम फेंसिंग लगे हैं भाई, वॉल देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़ी वॉल है। सर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। भाई मेरे सामने भी भाई बॉर्डर क्रॉसिंग है, जबकि भाई आईडी वगैरह मांगी जा रही है पैलेस्टाइन से, भाई लोग इसराइल आ रहे हैं। भाई उस तरफ है पैलेस्टाइन, इस तरफ है भाई इसराइल। हालांकि लाइक पैलेस्टाइन टेक्निकली इस तरफ भी है, वेस्ट बैंक भाई इस तरफ भी है, लेकिन भाई जो बॉर्डर क्रॉसिंग है रमाला भाई, जो कंट्रोल है वो पैलेस्टाइन गवर्नमेंट का है। ये सब भाई बात आपको मैं जाके बताता हूँ फिलहाल वहाँ पे, लेकिन फिलहाल आप मान लो कि जो बॉर्डर है यहाँ पर है टेक्निकली बॉर्डर, क्योंकि उसके जो अंदर तक था, जो जहाँ तक मैं आया वो तक भाई इसराइल कंट्रोल में था। और भाई हम लोग अभी जा रहे हैं फाइनली इसराइल कंट्रोल को छोड़ के। ये भाई बॉर्डर देख रहे हो कितने बड़े बड़े वॉल बना रखा है भाई इन लोगों ने, वाओ। चलो भाई चला जाए, सीढ़ी लेते हैं भाई, यहाँ से सीढ़ी का भी रास्ता है और इस तरह का भी रास्ता है। हम लोग भाई सीढ़ी लेते हैं यहाँ से और एक नए देश में इंटर करते हैं। तो भाई फाइनली इसराइल को छोड़ रहा हूँ और पैलेस्टाइन के अंदर इंटर कर रहा हूँ मैं। इसके बाद भाई आ जाएगा पैलेस्टाइन। वेलकम टू भाई पैलेस्टाइन ऑफिशियली। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग? हेलो, गुड गुड। ये भाई वॉल्स जहाँ से मैंने क्रॉस किया अभी। और सेल्वी, हां, व्हाई यू टेक पासपोर्ट आउट? Well, I saw the little ticket scan. Okay. So I wasn't sure if you had to scan your little permit pass thing. I was like a control thing. Control thing, okay. Well, welcome to everyone else scanning. Well, welcome to Palestine. Thank you. Same to you. वेलकम, थैंक यू। भाई मैंने कई लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन जाने के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई पैलेस्टाइन के अंदर कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जिससे मैं पैलेस्टाइन छोड़ सकूं या तो कुछ कर सकूं, तो मुझे भाई वापस इसराइल तो जाना ही पड़ेगा। तो देखता हूं भाई जब वापस से जाऊंगा तो क्या सवाल पूछा जाते हैं वगैरह नहीं पूछा जाते हैं। एक अच्छी बात है भाई कि मेरे साथ सेल्वी है, तो थोड़ा मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अमेरिकन सिटीजन है भाई, इसको तो जाना ही देंगे। 51 स्टेट है भाई इसराइल US का। भाई ये देखो इन्होंने वॉल को कलर कर दिया है भाई, कितना सही लग रहा है वॉल को कलर करने के बाद। चलो भाई यहाँ से आई थिंक हमें मिलेगी शेयर टैक्सी जहाँ से हमें छोड़ा जाएगा। तो भाई ऑफिशियली हम लोग आ रखे हैं पैलेस्टाइन के अंदर। भाई पहली बार एक्चुअली मैं इसराइल के अंदर डर्ट रोड देख रहा हूँ। आई नेवर सॉ डर्ट रोड एंड दैट मच डर्टी इनसाइड इसराइल, इज इट ट्रू? नो, इट्स ट्रू। वाओ भाई इतनी गंदगी भाई मैं देख रहा हूँ।
इसराइल के अंदर इतनी गंदगी नहीं देखने को मिली थी भाई, चला जाए बस को ढूंढा जाए। ये सब भाई पूरी तरह से फेंसिंग है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच भाई। ओ भाई ये है भाई पैलेस्टाइन का नंबर, ये है भाई पैलेस्टाइन की कार, पहली बार देख रहा भाई पैलेस्टाइन का कार। ये भाई कार नंबर ऐसा होता है पैलेस्टाइन का, और ये है भाई इसराइल का कार नंबर IL। रमाला तो भाई रमाला के लिए बस तो नहीं मिल रही इसलिए थोड़ा पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन भाई आप फील कर सकते हो कि आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से थर्ड वर्ल्ड कंट्री आए हो भाई अचानक से भाई। मतलब उस तरफ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी कम्पेयर टू इस तरफ भाई, ऐसा लग रहा है कहीं मैं इजिप्ट में हूँ या तो फिर जॉर्डन भी नहीं बोलूँगा भाई, काइंड ऑफ मुझे इजिप्शियन लग रहा है ये एरिया। देखो भाई बिल्डिंग्स वगैरह गिरी पड़ी है भाई, भाई एकदम चीज़ें ना ड्रास्टिकली चेंज हो गई भाई, एकदम अचानक सब कुछ बदल गई। इसराइल के अंदर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी और भाई पैलेस्टाइन के अंदर ट्रैफिक भी खतरनाक हो रखी है, यहाँ पे हॉर्न भी अच्छा खासा बज रहा है, लोग ज़्यादा फ्रेंडली है वो जरूर बोलूंगा पैलेस्टाइन के अंदर। अभी तक आए भाई सिर्फ 10 मिनट हुआ है पैलेस्टाइन, लेकिन लोग बहुत ज्यादा मुझे फ्रेंडली भी नहीं अभी तक पैलेस्टाइन के अंदर। तो भाई हम लोग जा रहे थे और भाई हमें लिफ्ट मिल गई एक्चुअली, एक मोहतरमा है उन्होंने कहा कि आपको जहाँ जा रहे हैं वहाँ छोड़ देते हैं। तो अभी तक भाई पैलेस्टाइन में जो स्वागत सत्कार हुआ है काफ़ी शानदार हुआ है भाई। ये भाई इनके कार में हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं और ये हमें लेके जा रहे हैं। यहाँ से भाई रमाला तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते ये छोड़ देंगे। अभी तक तो मज़े आ रहे हैं भाई पैलेस्टाइन के अंदर। Funduk Sihai. Yeah, tourist hotel. Hotel. Okay. This is the other side. This is like a big place for parties. Okay. And they give small rooms. Okay. They because you are not Arab, maybe they tell you a big price. Okay. You tell them no. I hear that from one night 100 or 150 only. Not okay. 300 or 400, you know, they tell you... Yeah, more price. Yeah, yeah, yeah. Okay. Tell them no. Our friends tell us only 100 or 150. Okay. It's okay? Okay. The other side, I don't know exactly where he tell me the other side. The Funduk Siyah. He will ask the... Okay. Thank you very much. Shukran. Okay. Look me. Yeah. Okay. This, Mashawi, Beirut. Yeah, yeah. Okay. Okay. Left. Mahalla. Mahalla. Okay. 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 Nice. So here, like this big, yeah? Near yes. Restaurant. Restaurant? Yes. And left. La. Mashaw Beirut. Nafsu. Huwa nafsu. Tifham Arabi? Arabi, no malum kam. Dagi. Rusi. Yeah, Rusi. Faruski is nayo. Rusi? Taura. Chacho. Come. Near Basso. Malinki. Kharasho. 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 India? Yeah, India, Hindustan. Hind. And you? USA. And welcome. Thank you. Look. Yeah? Mashaw Beirut. Yes, Masai Beirut. Mashaw Beirut. الباب عيدك اليمين. Okay. هذا فندق السياحة. إيه. اوكي 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 got it. باي باي. شكرا 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 بھائی سچ کہوں تو یار یہاں پہ لوگ ہیرے ہیں یار, ایک دم بہت ہی فرینڈلی لوگ ملے. ایک لیڈی جو تھی آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے مجھے ہمارے لیے ہوٹل کھوجا سستا والا, کہ سستا ہوٹل کہاں ہے یہاں پہ رہنے کے لیے. ہمیں بھائی لفٹ دی یہاں تک, ان کو ایکچولی یہاں تک آنا بھی نہیں تھا بٹ ہمارے لیے اسپیشل ادھر آئی اور ہمیں لفٹ دی وہ لیڈی بھائی. اس کے ایک بھائی صاحب مل گیا ریسٹورنٹ والے, ہمارے ساتھ چلے پیدل پیدل آ کے بھائی ہمیں بتایا کہ کہاں پر ہوٹل ہے اور کہاں سستا ملے گا. اور بھائی لیڈی نے یہ بھی بتایا, وہ جو محترمہ تھی انہوں نے کہا کہ تم ٹورسٹ ہو تو لوگ کہیں گے 300-400, اور تم کو بولنا ہے کہ میرے لوکل فرینڈ نے کہا ہے کہ صرف 100 ہیں 100 اونلی. تو ہم لوگ بھائی ٹرائی کریں گے صرف 100 لوکل کرنسی دینے کا, یہاں سے چلا جائے یہاں پیسہ حساب کتاب بھائی. انہوں نے کہا یہ ہوٹل ہے ایکچولی ریسٹورنٹ بیروت, اینڈ اس کے بھائی رائٹ ہینڈ سائڈ میں یہاں پہ سیاحہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی ٹورسٹ ہوٹل یہاں پہ ملے گا, انہوں نے ایسا کہا. تو بھائی چلا جائے اس ہوٹل کے پاس, یہ بھائی بیروت ریسٹورنٹ, یہاں سے بھائی ملے گا سیاحہ کا ایک پلیس. ان انڈیا سی میرڈ مائی ہوم سسٹر مائی سسٹر He, you yeah. are? Yeah, it's his. His sister. How much money? 250. No, my friend, local friend says 100. My friend says here 100. 100 dollar? Yeah, no dollar. 100 shekel they said. No, no, 100? No, no, no. Yes, yes, local. 200, where? My friend. She took a, she said come here, 100. My friend says. No, 200. You
Sure is English. Yeah, I understand, but... 170, 170, I want it to you, 170. Please, 100 now? No, no. Please, like... How much? Only one night now, maybe tomorrow extend, but right now one night, please. One night. Uncle, 100, please. No, 150, no, 150. Okay, not me, not you, 120, please, 120. 120, please. خلاص قال لك بليز رمضان 120 اوكي كويس لا 150 لا يا زلمه ولد حرام بيج بوس يبيب بي زلمه لا يا سعد الدنيا رمضان شو طيب رمضان تضحك عليه اجل بليز 120 وي دونت 150 يلا خلاص 140 نو 120 براذر 120 از جود 120 بليز شو كان 130 دان هاي بينك وبينه 130 منيح اوكي الك والى اوكي اوكي واذا بيحكي معك اطعمه لك ايش فيه ولا يعطيك عافيه كارد نو كارد جيف مي ماني يو هاف ماني واي يو هاف ماني ذاتس ات ايل سي اوكي ايل سي سي اول وي هاف نو ماني لا زين وات يو هاف तो भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली भाई हमें रूम मिल चुका है। जरा मैं आपको रूम दिखाता हूँ भाई। 130 लोकल करेंसी के भाई, और ये रूम था 130 सेक्योर का भाई। बेसिकली एक सोफ़ा बड़ा सा है और ये एक बड़ा सा गद्दा और टीवी वगैरह दे रखा है एकदम भाई। काफ़ी पुराना सब कुछ लग रहा है चीज़ें, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। यार देने में काफ़ी दिक्कत कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, हम नहीं देंगे, तुम दोनों का अलग अलग घर लेना पड़ेगा, तो अलग अलग लेना पड़ेगा। मैंने कहा यार ट्रैवल करते हैं साथ साथ, शादीशुदा की क्या जरूरत करते हैं। फिर मैंने कहा झूठ बोल दिया कि हाँ मेरी वाइफ है ये, हालांकि सिर्फ हम फ्रेंड्स हैं, वाइफ वगैरह कोई सीन नहीं है। मैंने झूठ बोल दिया कि रूम दे दो मेरे को, तो उन्होंने फिर रूम दे दिया। फिर बोलती फोटोज दिखाओ, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, इतना कौन मांगता है यार। मैंने फिर फोटोज वगैरह था एक दो दिखा दिया, मतलब अरे अकांजा की शादी में जब गया था तो हम दोनों ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे, तो वही दिखा दिया कि देखो ये हमारी शादी की फोटो है, और बिलीव करके ठीक है। तो यही था भाई हिसाब किताब, और जिससे हमें ये रूम मिल चुका है फिलहाल अभी। और अभी थोड़ा मोटा खाना पीना खाता हूँ भाई, अभी चल रहा है रमादान का टाइम, तो भाई खाना पीना खोजने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं भाई हम लोग इज़राइल से खाना लेके आ गए थे, दाल चावल, तो हम लोग खाना पीना खाने वाले हैं, फिर थोड़ा सिटी को देखेंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है सिटी के अंदर। तो गाइज हम लोग होटल में चेक इन करने के अंदर लोग बाहर आ चुके हैं। ये भाई हमारा होटल, ये जो दिख रहा है सामने वेरी रेस्टोरेंट भाई, ये हमारा होटल। और भाई मौसम एकदम काफ़ी एकदम आज विंडी सा हो गया एकदम, जब हम लोग आ रहे थे तो वेदर काफ़ी ठीक था, अभी भाई ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा मैंने हुड वगैरह एंड टोपी चढ़ा लिया भाई इन केस। यहाँ पे भाई घरें जो दिख रही है ना, काफ़ी अलग सी घरें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसी ऐसी घरें दिख रही है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक हम पैलेस्टाइन में ट्रैवल करने वाले हैं, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। लेकिन भाई एक बात ने यहाँ पर नोटिस की, जब मैं बोलता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ तो लोग खुश हो जाते हैं और लोग मुझे अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, लेकिन जब भी ये देखते हैं कि ये अमेरिका से है, यूएस से है, तो लोग का जो रिस्पॉन्स है, हालांकि फेस पे तो हेलो हेलो ही बोलते हैं, लेकिन काइंड ऑफ दुख हो जाता है कि लाइक उसका इतना यहाँ पे वेलकम नहीं है, सच कहूँ तो सीधी इस बात है। और भाई इसका सीधा सा रीजन है कि यार पैलेस्टाइन के अंदर यू नो, लोग अमेरिका को पसंद नहीं करते, क्योंकि अमेरिका खुलेआम पूरी तरह से सपोर्ट करता है इसराइल को, उसका जो मेन रीज़न है। इसलिए यहाँ पे लोग पैलेस्टाइन के लोग हैं जो वो अमेरिका को पसंद नहीं करते, ये भाई सिंपल सा पॉलिटिकल रीज़न है, और जहाँ तक है ये सही भी है, फेयर भी है काइंड ऑफ। ये भाई फिलहाल लोग इस रास्ते में जा रहे हैं, अब भाई चल रहा है रमजान का टाइम, तो अभी प्रेयर होगा शाम को, नमाज जब पड़ी जाएगी फिर खाना पीना इफ्तार करेंगे, तो यहाँ पे खाने पीने को मिलेगा। इसलिए भाई मैं इसराइल से खाना लेके आया था और कुछ खाना पीना खा लिया, अब ठीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि भूख लगी थी भाई तगड़ी जोड़ों से यार, और मुझे आदत नहीं है भाई मतलब दिन भर सहने की, और भाई सहने के लिए भी सुबह सुबह उठ के खाना पड़ता है। अब भाई सुबह सुबह उठ के कौन खाए 4 बजे उठ के, तो आज कोशिश करूंगा कि 4 बजे सुबह सुबह उठ के खा लूं, कि कल दिन भर यहाँ पे कुछ खाना नहीं मिलने वाला है भाई। ये कुछ ऐसा आसपास का नज़ारा है भाई, ठीक ठाक अभी तक स्ट्रीट लग रही है। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने एक बात और देखी, यहाँ पे लोग ट्रैफिक रूल एंड थिंग्स को फॉलो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते भाई ट्रैफिक रूल को फॉलो, बट जो है भाई ये, तो भाई यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है भाई पॉपाइज, लुइजियाना चिकन पॉपाइज। सेल्फी डू वांट सम पॉपाइज, इट्स अमेरिकन थिंग, इट्स tempting, you can't even find Popeyes in every state, it's like a regional thing, so it's surprising. Is it from Louisiana? It's from Louisiana, the first restaurant. You often don't see Popeyes in any other country, so this is nice. Surprising for yeah, you. Yeah. भाई यहाँ पर कुछ ऐसे घरें दिखती है, लेकिन भाई मैंने चीज और देखी, यहाँ पर कहीं भी भाई इजरायली फ्लैग नहीं है यहाँ पे भाई, हालांकि अमेरिकन ब्रांड हर जगह है, डोमिनोज देखा है मैंने यहाँ पे भाई, पॉपाइज देख ली यहाँ पे, लेकिन इजरायली फ्लैग आपको कहीं देखने को मिलेगा। और भाई यहाँ पे कुछ ऐसे घरें दिखती है भाई यहाँ पर, तो भाई यहाँ से मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा ऑरेंज जूस, देखता हूँ कितने पैसे का है भाई। कैफे हालक अलहमदुलिल्लाह, हाउ मच मनी? नो 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 नो
ओह शुक्रन शुक्रन हबीबी ये बच्चा भाई यहाँ पे काम कर रहा है भाई पैसे लेने से मना कर दिया इसने वाओ हेलो गुड इंडिया इंडिया वेयर इज इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिहार नाइस विल कम हैव अ ब्रेकफास्ट विद अस टुमारो मे वी कम यू आर फ्रॉम इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वेल भाई एक बात और बता दूं आपको भाई कि सेल्फी एज ए अमेरिकन यहाँ पे लोग पसंद उतना नहीं करेंगे और ये भाई नॉर्मल सी बात है यार ऑफ कोर्स नहीं करेंगे यार क्यों ही करेंगे भाई रीज़न बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न है और लोगों के प्रति वो नफरत है तो इसने कहा है कि अब मैं लोगों को कहूँगी मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया सही जस्ता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी न्यूट्रल कंट्री है और वहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है और यूएस की भी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सही जस्ता है मेरे हिसाब से लेकिन भाई हम लोग वॉक कर रहे हैं अभी रमाला के अंदर पैलेस्टाइन के अंदर और भाई लोग बहुत हॉस्पिटल है बच्चे ने भाई पैसे लेने से मना कर दिया बोलता है नहीं नहीं भाई तुमसे पैसे क्यों लूँगा मैं मैंने कहा सही है यार तो ये भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई कि आज सुबह सुबह मैंने दाल चावल खरीदा तो मैंने कहा कि एक्स्ट्रा कप दे दो मेरे को वो भाई प्लास्टिक का नहीं वो कागज़ का कप था तो भाई उसको ने पैसे मांगे 3 लोकल करेंसी जो कि भाई इंडियन रुपये बनते हैं अराउंड 80-90 रुपये के आसपास भाई 90 रुपये भाई उन्होंने कप खाली कप के ले लिया यार इसराइल के अंदर हालांकि इसराइल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है काफ़ी कैपिटलिस्टिक कंट्री है तो मैं समझता हूँ मतलब इसराइल में आपको कुछ चीज़ें फ्री में नहीं मिलने वाली ठीक है लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं काइंड ऑफ सीरिया में आ गया हूँ जहाँ पे लोग बहुत हेल्पफुल है मैं काइंड ऑफ अफगानिस्तान आ गया हूँ जहाँ पे लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल हैं यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सहूलियत की बात करें वो बिल्कुल सेम नहीं है इजरायली भाई मुझे कभी कैश की जरूरत नहीं पड़ी थी हमेशा हर जगह भाई कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे आपको कैश लेके आना पड़ेगा लेकिन क्या दिक्कत है भाई कैश यूज़ करने में क्या दिक्कत है ये था भाई मेरा सफर अभी तक पैलेस्टाइन के अंदर लोग काफ़ी सही मिले हैं बहुत हॉस्पिटल मिले हैं बस सोचा मुझे यहाँ पैसे निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता तो पैसे मैं निकालता हूँ और थोड़ा मेरा माला को घूमता हूँ तो भाई सोचा कुछ पैसे विड्रॉ कर लूँ बट भाई ये एक्चुअली पैलेस्टाइन का बैंक है कुट्स बैंक मैं जाना कैसे भाई ये पैलेस्टाइन का बैंक है क्योंकि भाई www.kutsbank.ps लिखा हुआ है इसका मतलब ये भाई ये पैलेस्टाइन का बैंक है और भाई इन्होंने मेरा कार्ड लिया और कार्ड मेरा वापस कर दिया दो बार मैंने ट्राई किया तो मेरे कार्ड को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा जो भाई पैलेस्टाइन की खुद जो बैंक है वो एक्सेप्ट नहीं करती हालांकि भाई पैलेस्टाइन का जो करेंसी है भाई वो इजरायली अकेली है प्रोबेबली लाइक यहाँ की खुद की करेंसी कभी बननी नहीं दी गई तो यहाँ पे सारे भाई इजरायली अकेली यूज करते हैं या तो फिर भाई जोरिन दिनार यहाँ पे दो करेंसी यूज होती है जनरली JDB वो बेटर है भाई वो बहुत बड़ी करेंसी है 1 रुपये भाई अराउंड 100-150 रुपये के आसपास होते हैं बट कोई बात नहीं भाई पैसे विड्रॉ नहीं हुए मेरे पास डॉलर लेके चला हूँ मैं इसलिए भाई मैं हमेशा डॉलर्स रखता हूँ इन केस भाई पता नहीं कब आपको जरूरत पड़ जाए वेल भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में भाई मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना ये थी भाई मेरी जर्नी आज की इजराइल से पैलेस्टाइन आने की आगे आने वाले वीडियोज में भाई आप पैलेस्टाइन के बारे में और देखोगे फिलहाल के लिए भाई दस विदानिया आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।